हेलो गाइस, पैडागोजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, आज हम करने वाले हैं हिंदी पैडागोजी। हिंदी पैडागोजी का कोई टॉपिक नहीं करने वाले हैं, हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक और स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। हिंदी पैडागोजी में 15 में अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स आ रहे हैं तो आज की क्लास उनके लिए है, उनके 10 से बढ़ के 14 मार्क्स हो जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप आज की क्लास देखने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आज की क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। ठीक है गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक क्वेश्चन की गाइस चार ऑप्शन होती हैं, जिनमें से तीन गलत होती है, एक सही होती है। हम आसानी से पता कर लेते हैं कि दो ऑप्शन कौन सी वो है जो गलत है, लेकिन दो में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप आज की क्लास देख रहे हैं तो आपकी कंफ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शन आपका आंसर नहीं होती है। जिस ऑप्शन में एक पक्ष की बात करें वो नेगेटिव पॉइंट होते हैं, एक पक्ष वाला कभी भी आपका आंसर सही नहीं होगा। जैसे पहला ऑप्शन है केवल, केवल इसी तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, केवल ऐसे ही बच्चा पढ़ेगा। केवल वर्ड अगर आ रहा है तो वो एक पक्ष की बात कर रहा है और एक पक्ष आपका आंसर सही नहीं होगा, केवल आपका नेगेटिव वर्ड होगा और वो एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मेरा कंठस्थ, कंठस्थ करना, रटना। क्या अध्यापक का उद्देश्य होता है कि बच्चे को रट के पढ़ाना? नहीं होता ना। अध्यापक का मकसद होता है कि बच्चे को अर्थ और भाव के साथ सिखाना चाहिए। तो कंठस्थ करना, रटना, ये नेगेटिव वर्ड हो गए और इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तीसरा पॉइंट है मेरा ही, यही तरीका है बच्चे को पढ़ाने का, ऐसे तरीके से ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अगर ही वर्ड आ रहा है वो एक पक्ष की बात कर रहा है, ऑप्शन में ही वर्ड दिखते ही आप समझ लीजिए कि वो एक पक्ष की बात करता है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है मेरा एकमात्र और मात्र। एकमात्र यही तरीका है बच्चे को पढ़ाने का, मतलब एक पक्ष की ही बात कर रहा है कि एक तरीके से ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो वो भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। सिक्स पॉइंट है मेरा बलपूर्वक, किसी चीज़ को पढ़ाते टाइम जोर दे के पढ़ाना। ठीक है, बलपूर्वक पढ़ाना क्या मतलब हो गया? कि जैसे बच्चे को 1 घंटा हमने दे दिया कि 1 घंटे में तूने 2 चैप्टर करने ही करने हैं, जैसे मर्जी कर। हम बल दे रहे हैं बच्चे को, जोर डाल रहे हैं बच्चे पे पढ़ने के लिए, मजबूर कर रहे हैं। हमारा NCF और RTE एक्ट कहता है कि बच्चे पे बल नहीं देना, बच्चे को मोटिवेट रखना है, इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाना है और मेंटल लेवल के हिसाब से पढ़ाना है ताकि वो बच्चा इंजॉय कर सके अपनी पढ़ाई को। तो 6 पॉइंट जो है हमारा वो भी गलत हो जाएगा। सातवां पॉइंट है मेरा जटिल, जटिल अकेला अगर वर्ड आता है किसी ऑप्शन में तो हमारा वो ऑप्शन सही नहीं होगा, अगर जटिल के साथ संदर्भ आ रहा है फिर हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जटिल हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। हमारा लास्ट पॉइंट है हतोत्साहित करना। एक बच्चा पढ़ रहा था अपने तरीके से, लेकिन एक टीचर गया उसके पास और उसको कहा कि ऐसे नहीं पढ़ेगा, मेरा जो तरीका है उसको अपना और वैसे ही तुझे पढ़ना पड़ेगा। बच्चे पे जोर डाला गया कि टीचर के पास जो तरीका है उससे पढ़, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चे को उसके तरीके से पढ़ने से रोकना नहीं चाहिए, बच्चा जैसे पढ़ना चाहता है उसको वैसे ही पढ़ना देना चाहिए। ठीक है, हमारा NCERT यही कहता है कि बच्चे को समझें, बच्चे को समझें और उसको जैसे वो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दें। ठीक है, इसीलिए हमें CDP और पैडागोजी कराई जाती है।
ठीक है गाइस, आगे कर लेते हैं गाइस, हमारे 8 पॉइंट हो गए हैं। लेकिन एक बात मेरी ध्यान में रखिएगा, अगर हमारा क्वेश्चन आता है नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हमारा आंसर इनमें से सही होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन इनमें से कोई भी आता है तब हमारा आंसर सही होगा। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है, जैसे कह देती है ना कि बच्चे को क्या नहीं कराना चाहिए, केवल एक तरीके से पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं समझ आई होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में आता है तब हमारा आंसर इनमें से नहीं होगा। ठीक है, अब हमने बात तो कर ली है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा, लेकिन अब हम बात करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक पक्ष से ज़्यादा अगर कोई बात कर रहा है ऑप्शन, तो वो हमारा आंसर सही होगा। सभी पक्ष को अगर देख रहा है, बच्चे का पूर्ण रूप से पक्ष कवर हो रहा है, तो वो हमारा आंसर होगा। जैसे मेरा पहला ऑप्शन है विभिन्न संदर्भ, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग प्रॉब्लम का बच्चे के पास अलग अलग सॉल्यूशन है। हम चाहते हैं कि बच्चे को ऐसा ही बनाया जाए, ऐसे ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि बच्चा अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढ सके उसके। ठीक है, विभिन्न संदर्भ में पढ़ाना चाहिए बच्चे को। सेकंड मेरा ऑप्शन है विविध भाषिक प्रयोग, कि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से बच्चा अलग अलग भाषा का प्रयोग कर सके। ठीक है, स्मार्ट वर्क कर सके, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे स्मार्ट वर्क बच्चा भी कर सके, बच्चे को ऐसे पढ़ाना चाहिए। विभिन्न विभिन्न संदर्भ और विविध भाषिक प्रयोग अगर ऑप्शन में है तो वो आपके आंसर राइट होंगे। तीसरा ऑप्शन कर लेते हैं, अर्थ और भाव के साथ बच्चे को पढ़ाना चाहिए, रट के नहीं पढ़ाना चाहिए, अर्थ और भाव के साथ बच्चे को पढ़ाना चाहिए। हमने ऊपर भी किया था ये। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ गया विचार अभिव्यक्ति, बच्चे को ऐसे पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे के जो मन में विचार हैं, जो सोचता है, उसको अच्छे से अभिव्यक्त कर सके। बच्चा जो सोच रहा है और जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही हो, ठीक है, अपनी मन की बात अच्छे से रख पा रहा हो, ऐसे बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो विचार अभिव्यक्ति भी अगर आपकी ऑप्शन में आता है तो वो सही होगा हमारा। फिफ्थ पॉइंट है मेरा अवसर प्रदान करने चाहिए, बच्चे को कोई प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ तो उसके पास अवसर हो कि वो खुल के अपनी बात रख पाए। ठीक है, बच्चे को मौके देने चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए। अगर हम कोई कार्य दे रहे हैं बच्चे को तो उसके पूरे मौके देने चाहिए कि बच्चा खुल के कर सके वो काम, किसी के दबाव में काम ना करे। ठीक है, सिक्स पॉइंट है मेरा समय अभिव्यक्ति, के मतलब अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। जैसे हमने फोर्थ पॉइंट किया था विचार अभिव्यक्ति, अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, जो सोच रहा है अच्छे से उसको बता पाए, अभिव्यक्त कर पाए। ठीक है, सेवन पॉइंट है परिवेश, बच्चे की जो परिवेश की भाषा है स्कूल में उसको स्थान देना चाहिए। परिवेश की भाषा मतलब मातृभाषा, किसी फैमिली से बिलोंग करता है वहाँ बोली जाने वाली जो भाषा है उसको स्कूल में स्थान दिया जाए ताकि बच्चे को आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, परिवेश वर्ड जहाँ भी आपको आता है तो आप समझ लीजिए कि ये मेरा आंसर राइट होगा। आठवां पॉइंट है बच्चे को पढ़ाने के टाइम हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चा नई नई सोच सोचे, नई नई रचनाएं करे, सृजनात्मक हो बच्चा, क्रिएटिव हो ज़्यादा बच्चा। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए उसके पास अलग अलग ऑप्शन हो, अलग अलग तरीके से कर पाए। ठीक है, सृजनात्मकता अगर आपकी ऑप्शन में है तो वो आपका आंसर सही होगा। नौवां है मौलिकता, मौलिकता नैतिक विकास, बच्चे का अच्छे से हो, पता हो क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये सारी ऑप्शन वही हैं जो मतलब आपके आंसर सही होंगे। ठीक है, दसवां है अनुमान, समझ कर करना। अनुमान ऑप्शन अगर आपके
है ऑप्शन में तो आपका राइट होगा। और लास्ट है मेरा जटिल और समृद्ध। मैंने ऊपर कहा था ना अकेला जटिल होगा तो गलत होगा, लेकिन अगर जटिल के साथ समृद्ध आ जाएगा तब आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। जटिल और समृद्ध के साथ बच्चे को पढ़ाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और ध्यान में रखिएगा ये मेरी बातों को, और आप अभी क्वेश्चन करके देखिएगा हिंदी पैडागोजी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सीटेट या किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं आपके, ठीक है, तो आप करके देखिएगा, आपके क्वेश्चन काफ़ी सही होंगे। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय।